दोस्तों हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आता ही आता है एंड आज के वीडियो में तीन डिफरेंट टाइप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़े हार्ड है लेकिन एग्जाम में हर साल रिपीट होता ही होता है। लेकिन छोटा सा ट्विस्ट ये है कि इन सभी डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम ट्रिक के मदद से बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ट्रायंगल का ऐसा एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर आता है जिसमें एक बड़े ट्रायंगल के अंदर छोटे 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 बहुत सारे ट्रायंगल्स दिए होते हैं और हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम हर एक पोर्शंस को गिनने लगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। इस ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए हम पहले छोटे से बेसिक ट्रायंगल फिगर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे तीन फिगर्स दिए हुए हैं, ये है सिंपल, ये है थोड़ा हार्ड, ये थोड़ा और हार्ड है। तो फिर हम पहला वाला देखते हैं। इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें दो ट्रायंगुलर फिगर हैं, पहला ये दूसरा ये। सो यहाँ पे हो गया 2 प्लस। अभी हमें जॉइंट्स फाइंड करने हैं जिस जॉइंट पे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं, पहला ये दूसरा ये तीसरा ये। सो नंबर ऑफ जॉइंट्स है 3, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड इसका आंसर यही होगा कि इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 5। सिंपल इस ट्रिक को फॉलो करके हमें बाकी सभी को सॉल्व करना है। जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 ट्रायंगल्स हैं, सो इक्वल टू 3 प्लस। अभी तीनों ट्रायंगल्स आपस में जिस जिस जॉइंट के साथ जुड़े हैं वो काउंट करना है। जैसे इस वाले में जॉइंट्स हैं 1, 2, 3 और इस वाले में जॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 3 प्लस 3 6, सो इक्वल टू 6 प्लस 3 9। मतलब इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 9। समझ में आ गया। अभी ये वाला भी हम देख लेते हैं ताकि डाउट पूरा क्लियर हो जाए। जैसे इस वाले फिगर में ट्रायंगल्स हैं 1, 2, 3, 4, सो इक्वल टू 4 प्लस। अभी जॉइंट्स गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, सो इज इक्वल टू 4 प्लस 9, 13। मतलब इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं 13। बहुत आसान है। अभी अगर हमने सीख लिया तो फिर हम पहले वाले फिगर में चलते हैं। जैसे इस वाले फिगर में ट्रायंगल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सो इक्वल टू 6 लिख देंगे बस, फिर प्लस। अभी जॉइंट्स गिनते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सो प्लस 15 इक्वल टू 21। मतलब इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 21। बहुत सिंपल है। अभी हम नेक्स्ट फिगर की तरफ जाते हैं। सेकंडली एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ट्रायंगल होता है और उसके अंदर काफी सारे लाइंस खींचे हुए होते हैं एंड हमें बोलना होता है कि इस पूरे फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। इस वाले फिगर में छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। इन सबको कम समय में गिनने के लिए हमें बस नीचे के सभी सरफेस में नंबरिंग कर देना है। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी हमारा काम इतना ही है कि इन सभी को प्लस कर देना है। सो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अभी यहाँ पे क्योंकि ज्यादा नंबर्स हैं तो फिर यहाँ पे हम एडिशन का एक और ट्रिक सीखेंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सभी सीरियल वाइज नंबर्स हैं, इन सभी को सम करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि हमें सबसे बिग नंबर लिखना है 5 इंटू, इसका नेक्स्ट नंबर जो होगा वो लिख देना है। 5 का नेक्स्ट नंबर होगा 6 और पूरे नंबर को डिवाइडेड बाई 2 करना है। इसका सॉल्यूशन जो आएगा वही होगा इन सभी एडिशन का आंसर। सो 3 टू 6 एंड 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। मतलब इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 15। इतना ही सिंपल है। अभी कुछ कुछ एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करने के लिए यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ से भी एक लाइन खींच देते हैं। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन गया, लेकिन इसको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये फॉलो कर सकते होंगे कि यहाँ पे लाइन खींचने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे भी एक सरफेस बन गया है। हमें सिंपली सरफेस को काउंट करना है 1, 2, 3 एंड यहाँ पर भी है 1, 2, 3। तो फिर सिंपली 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, दो जगह 6 है, मतलब प्लस 6 प्लस 6। अभी चाहे जितने भी लाइंस खींच दिया जाए हम बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अभी इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 6 मतलब 27।
टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 27। तो ट्रिक के साथ ये भी बहुत आसान है। अभी हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि एक स्क्वायर के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं वो काउंट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रायंगल्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल ट्रिक ये है कि हमें बस अंदर के ट्रायंगल्स को गिनना है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 है, हमें सिंपली 4 × 2 करना है, इक्वल टू 8। मतलब इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 8। अभी अगर अंदर लाइंस ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिंपली अंदर के ट्रायंगल्स को गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है, मतलब 8 × 2 इक्वल टू 16 होगा आंसर। अभी अगर एक के जगह दो स्क्वायर्स दे दे और उसके अंदर भी ट्रायंगल्स गिनना हो, हम देख सकते हैं कि ये और ये बिल्कुल सेम ही है, मतलब बस 16 के साथ और एक 16 प्लस कर देना है। लेकिन इस केस में आप ये देख सकते होंगे कि ये दो स्क्वायर्स मिल करके और भी कुछ नए ट्रायंगल्स को क्रिएट किया है, जैसे ये वाला और ये वाला। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बस ये चेक करना है कि दो स्क्वायर्स कहाँ पे आके जुड़े हैं। जैसे ये स्क्वायर्स और ये स्क्वायर यहाँ पे एक जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है, तो फिर इसके लिए हम सिंपली +2 लिखेंगे। सो इक्वल टू 16 + 16 = 32, 32 + 2 = 34। अभी अगर इसको बढ़ा के और एक स्टेप दे तो यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल सही है। हमें बस देखना है कि ये वाला और एक है, मतलब इसके लिए +16 एक और यहाँ पे दो और जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट यहाँ पे, एक जॉइंट यहाँ पे, सिंपली हमें +2 कर देना है, इक्वल टू 52। इतना ही आसान है। अभी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं ये आप कमेंट में जरूर बताना। ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, हम बस 30 सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।